हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर रितु, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ वो है एंजाइटी एंड फियर। साथ ही साथ मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो एंजाइटी एंड फियर के केसेस में बहुत वंडरफुल एक्शन करती है, बहुत अच्छे से अपना योगदान देती है। एंजाइटी सामान्य भाषा में हम कहें तो घबराहट या बेचैनी, वही एंजाइटी। कुछ हद तक एंजाइटी होना हम नॉर्मल समझते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई पब्लिक परफॉर्मेंस है, हमारा कोई स्पीच है, हमारा कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, तो हमें थोड़ी बहुत घबराहट होना नॉर्मल है, थोड़ी बहुत। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे ये एंजाइटी, ये थोड़ी बहुत घबराहट ही एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है और फिर धीरे धीरे बाकी सब मेंटल इलनेसेस, फियर्स, फोबियाज तक बन जाती है। हम समझते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ हद तक नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कोई पब्लिक परफॉर्मेंस है, हमारा कोई स्टेज प्रेजेंटेशन है, या फिर अगर हम किसी मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं जहाँ हम थोड़े तो परेशान होते हैं कि हमारा टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उससे रिलेटेड घबराहट है, कुछ हद तक नॉर्मल है। पर इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कब कहेंगे या फिर वो कौन सा स्टेज है जहां पर आने पर आपको जरूरत हो जाती है कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी साइकियाट्रिक डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिले और सलाह लें। जब भी एंजाइटी या घबराहट आपके डेली लाइफ को खराब कर रही है, जैसे कि छोटी छोटी बातों की घबराहट जब पूरा दिन बनी रहती है, आपको छोटी छोटी बातों में घबराहट होती है, जैसे कि बच्चे अगर टाइम से घर पर नहीं आए, 5 या 10 मिनट लेट हो गए, तो आपको वो घबराहट शुरू हो जाएगी और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाएंगे कि कुछ हो तो नहीं गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया, वो अभी तक घर नहीं आए। ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। साथ ही साथ जब सिर्फ एक घबराहट आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करने लग जाती है, जैसे आपका शरीर टूटने लगेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई पेन होगा बॉडी में, कहीं भी कोई पेन, या बहुत ज्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, आपका बीपी शूट अप करने लगे, आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस तेज चलने लगे, पूरे शरीर पर पसीना आने लगे या थकावट महसूस हो, ये सब वो लक्षण हैं जो अगर घबराहट के साथ होते हैं तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। इस स्टेज पर पहुंचकर या इससे कहीं ज्यादा पहले आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिलना जरूरी हो जाता है। एंजाइटी ज्यादातर हमने देखा है कि विमेन्स में होती है, स्पेशली अगर वो ज्यादा सोशल नहीं है, वो लेडी घर ही में रहती है, बाहर ज्यादा आती जाती नहीं है, तो इस तरह की लेडीज में ज्यादातर पाया गया है कि एंजाइटी फियर्स या फोबियाज तक पहुंच जाती है। आजकल का जो हमारा एरा चल रहा है ना, इसमें बहुत कंपटीशन है, तो ये जो एंजाइटी है, ये फियर्स जो है, ये घबराहट और ये जो बेचैनी है, बच्चों में भी बहुत पाई जाती है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने की दौड़ में वो इस तरह की एंजाइटीज और फिर फियर्स का शिकार होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो बच्चों में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो कॉम्पिटिशन या टारगेट को हिट करने की बहुत ज्यादा अर्ज होती है, बहुत ज्यादा फील होती है, वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस है, पर शायद कहीं ना कहीं कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या मेमोरी मेमोराइज नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों को, तो उनका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता है। बहुत सारे पेरेंट्स आकर हमें कई बार शेयर करते हैं कि उनका बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता भी है, लेकिन जब भी एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, जब भी उन्हें एग्जाम में लिखने का टाइम आता है, तो वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है और वो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे फेलियर फेस करना पड़ता है। बच्चों से बात करने के बाद पता चला कि वो सिर्फ एक फियर नहीं, कुछ साल पहले वो एक छोटी सी घबराहट से ही शुरू हुआ था। अपने रिजल्ट को लेकर वो घबराहट उस फियर तक पहुंच जाती है एंड देन फिर उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इस एज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की लाइफ में वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। बच्चे डील नहीं कर पाते हैं उस पेस को, डील नहीं कर पाते हैं उस स्ट्रेस को, और एंजाइटीज फियर्स तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करें कि
किस तरह से हम होम्योपैथी से इसे ठीक कर सकते हैं। जनरली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका एड आप पहले से ले सकते हैं, उसकी मदद आप पहले से ले सकते हैं, पर अगर थोड़ा बहुत भी आप अगर फील करते हैं कि आपकी ये घबराहट, आपकी ये बेचैनी आपके डेली रूटीन को खराब करने लगी है, तो कुछ एक सेल्फ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं और आपकी मेडिसिन के साथ साथ ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एंजाइटी और आपके डर से बाहर आने में। जब भी बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और उनके मन में ये एंजाइटी होती है कि रिजल्ट कैसा होगा, तभी से उनको पहले से ही अपने ऊपर सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसी वुमेन्स जो अपने घर में अकेले रहती हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए सोशलाइज होने की। सोशलाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर वो अकेले रहती हैं, क्योंकि बेचैनी और घबराहट अकेलेपन में ज्यादा परेशान करती है। अगर पेशेंट अकेला रहता है, फैमिली साथ में नहीं है, तो जनरली है कि वो इस चीज से, ये चीज उनकी बढ़ती जाएगी प्रोग्रेसिवली। पर अगर वो सोशल हो जाते हैं किसी ना किसी एक एनजीओ से या एक सोशल वर्क से जुड़ जाते हैं, छोटी मोटी फ्रेंड सर्कल में पार्टीज में जाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है उनके एंजाइटी से बाहर आने में। जब भी आप अकेले हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो घबराहट शुरू हो गई है, तो ट्राई टू बी इन टच विद योर फैमिली। आप अपने फैमिली के साथ टच में रहें। अगर आप अकेले हैं तो उनके साथ फोन पे कनेक्टेड हो, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या फिर कुछ और बात करें जिससे कि माइंड डाइवर्टेड रहे। अगर आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा तो शायद वो जो कॉज था जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही थी, उस बात पर आपका ध्यान नहीं जाए। तो आप कोशिश करें कि अपना माइंड डाइवर्ट करें, किसी और चीज में लगाएं, सोशल हो जाएं, अपने फैमिली में फ्रेंड्स के साथ बातें करें, शेयर करें अपनी बाकी सब प्रॉब्लम्स को भी। साथ ही साथ कोशिश करें प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस ना करके सोल्यूशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करें। एक बहुत हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी डाइट लेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। देन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो है वो एक बहुत अच्छी स्लीप नहीं ले पाते, मतलब कि जब भी जिनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वो काफी समय से अपनी स्लीप को किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। लेट सोना, जल्दी उठ जाना, बहुत रात तक अपना ऑफिस का, अपना स्कूल का, कॉलेज का काम करना, एंड देन मॉर्निंग फिर उठ के अपने काम पर चले जाना, एंड फिर पूरा दिन थक कर एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहा। इसकी वजह से कई बार एंजाइटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल यूथ के लिए मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि जब भी कोई भी मेंटल सिकनेस हो, सिर्फ एंजाइटी, फियर, फोबिया या कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटी सी मान लीजिए सैडनेस ही क्यों नहीं है, अपसेट ही क्यों नहीं है, उन केसेस में भी कभी भी किसी भी स्टिमुलेंट का सहारा नहीं है। स्टिमुलेंट से मेरा मतलब कि आजकल का यूथ कई बार थोड़ा सा परेशान होने पर, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाने पर या फिर एंजाइटी होने पर अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेस ऑफ कॉफी, कैफीन, इन सब चीजों की हेल्प लेने लग जाते हैं। वो बहुत गलत है, क्योंकि प्राइमरी एक्शन में अगर आपको लगता है कि हाँ उस चीज को लेने से आपको बेटर फील होता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, वो उसका सिर्फ प्राइमरी एक्शन था। जब सेकेंडरी एक्शन शुरू होगा तो आप उसके एडिक्टेड होते जाएंगे। और फिर जब आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है डील करनी, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका फियर भी, प्लस आपको डी एडिक्ट करना भी, दोनों चीजें करनी पड़ती है। आपका एडिक्शन छुड़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत काइंड सजेशन आप सभी को देना चाहूंगी कि जो भी लोग एंजाइटी डिसऑर्डर या फियर्स से डील कर रहे हैं, किसी भी किसी तरह का फियर है, कोई भी घबराहट है, कभी भी एक्सेस ऑफ कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग इनका सहारा नहीं ले, बिकॉज ये अपने सेकेंडरी एक्शन में आपको एडिक्टेड बना देते हैं। आजकल जो टाइम है उसमें लोग मेडिटेशन, अपने हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान थोड़ा कम देते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन आजकल बहुत जगह लोग
सिखाते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं मेडिटेशन सीखने के, तो आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपका माइंड जो है फोकस्ड हो, आपके जो थॉट्स बहुत वेरिएबल हो जाते हैं, बहुत जगह जगह मन दौड़ता है, वो थोड़ा सा कंसाइज हो जाए और आपकी सोच लिमिट हो जाए, प्लस आप एक गुड क्वालिटी का सोचने लगे। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एडवाइसेस है जो आप घर बैठकर अगर थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करने लगे, इन सब चीजों की हेल्प लें, तो आप अपनी एंजाइटी, अपने फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। जब आपको लगे कि एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने सारे सिम्टम्स आपको बताए, एंजाइटी डिसऑर्डर बन गई है, तो प्लीज समय रहते एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं और जरूर उनसे कंसल्ट करें कि अब आपको क्या क्या करना चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी का रोल बताऊंगी, एंजाइटी इन फियर्स में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पर आप जज करेंगे कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बहुत ज्यादा सूटेबल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बाकी सभी लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं कि शायद उनको एंजाइटी डिसऑर्डर या फियर है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो उनसे शेयर जरूर कीजिए। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।